Welcome back. Today we will see types of bacteria on the basis of cellular composition and architecture. Cellular composition and architecture. The bacteria are classified into two groups. Means वहाँ पर हम क्या देखेंगे, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन तो हम देखें क्या आपका पेप्टिडोग्लाइकन है, बहुत है। और उसका आर्किटेक्चर मतलब क्या है, वो कैसे बना है। मतलब अगर मेरे पास मेरा घर जो है उसका भी वॉल है और तुम्हारा जो घर भी है उसका भी वॉल है, मतलब दोनों का कंपोजिशन सेम होगा, क्योंकि वो भी मतलब क्या ब्रिक्स में बना है, ये भी ब्रिक्स में बना है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर कैसा है वो वाला देखेंगे। On the basis of cellular composition and architecture, the bacteria are classified into two groups. One is gram positive bacteria and another is gram negative bacteria. ठीक है, एक आ गया क्या आपका gram positive bacteria, एक आ गया and another is your gram negative bacteria. Gram is for ग्राम मीन्स दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो थे उनके नाम नाम के अनुसार आपका हुआ है क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसको ऐसा क्यों बोले एक्चुअली, ग्राम पॉजिटिव जो है और ग्राम नेगेटिव जो है उसको क्यों बोले, क्योंकि इनके सब ग्राम पॉजिटिव वन स्टेल वन यूज स्टेल स्टेल और डाई। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है और उसी ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में एक स्टेन यूज हुआ था और एक डाई यूज हुआ था। वो जो डाई और जो स्टेन यूज हुआ था वो यूज किया था कौन, आपका साइंटिस्ट ग्राम, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका हुआ क्या ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, उसका चार्ज नहीं है एक्चुअली। मतलब हम जो देखेंगे अगर एक पार्टिकल है उसका चार्ज अगर देखेंगे हम, हमारे क्या होगा, क्या हो सकता है, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है नहीं तो न्यूट्रल होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज नहीं दिखेंगे, वो पॉजिटिव इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग वन स्टेन दैट इज पर्पल कलर, पर्पल पर्पल कलर इज रिटेन बाय द सेल वॉल। मतलब पर्पल स्टेन जो होता है ग्राम स्टेनिंग का, मतलब बहुत सारे स्टेप है आपका, वायोलेट है, पर्पल है, मिथाइलिन है और आपका एसीटोन भी है, बहुत सारे है। ये जो पर्पल जो था, ये पर्पल स्टेन जो था वो रिटेन हो गया, रिटेन हो गया मतलब वो वहाँ पर रह गया, कहाँ कहाँ आपका सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल जब रह गया वो, तो उसके अनुसार उसको क्या बोले, ये बन है ग्राम स्टेनिंग और ग्राम यूज पर्पल स्टेन टू आइडेंटिफाई ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या हुआ, मतलब इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में आपका ये जो पर्पल कलर जो था और स्टेन जो था ये बोला रिटर्न हो गया। ठीक है, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर वन डाउन, मतलब ये बना आपका वॉश होकर चला जाएगा। वॉश होगा मतलब क्या, अगर हम उसको एसीटोन में या अल्कोहल में वॉश किए, इसको आपका बैक्टीरियल सेल को वॉश करने के बाद भी आपका मतलब क्या वो जो स्टेन था पर्पल कलर वो वाला रिटर्न हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ग्राम नेगेटिव में वो वाला क्या होता है, वो वाला वॉश होके बैठ जाता है, वो मतलब यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर चला गया। जब रुक गया उसको बोलते हैं क्या आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ जो है उसको बोलते हैं कि जहाँ पर नहीं रुका है और नहीं मतलब क्या सेल वॉल में नहीं रहा वो बह गया, उस टाइप का जो बैक्टीरिया था उसको क्या बोले आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये वाला आ गया क्या ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ये वाला सिर्फ सेल वॉल पे है और सेल वॉल में कुछ डिफरेंस है, अभी देखेंगे डिटेल्स में व्हाट आर द बेसिक एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है उसमें।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देखो दो कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर, वहां देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अनदर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है इसमें। देखो फर्स्ट डिफरेंस मैं बोल चुका हूँ शायद, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पर्पल स्टेन इज रिटेन बाय द सेल वॉल, ठीक है, ये मतलब मैं पहले से बोल चुका हूँ क्योंकि डिफरेंस में मैं कह चुका हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज द पर्पल स्टेन ऑफ ग्राम स्टेन इज रिटेन बाय द सेल वॉल आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन और इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, ठीक है। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दिस आर वॉश आउट व्हेन दिस बैक्टीरियल सेल्स आर वॉश्ड विथ एसीटोन और इथेनॉल और योर अल्कोहल, ठीक है। मतलब ये वाला फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज पर्पल स्टेन और ग्राम स्टेन इज रिटेन बाय द सेल वॉल, व्हेन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दिस आर वॉश्ड आउट, फर्स्ट वाला है। सेकेंड में क्या है, इनकेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, याद रखना अच्छे से, द पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज थिक, ठीक है, द पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज थिक, थिक मीन्स मल्टी लेयर मीन्स मोटा होगा, मतलब ठीक होगा। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव्स और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल द पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज ए सिंगल लेयर और ए थिन लेयर, ठीक है। मतलब सेकंड डिफरेंस आ रहा है यही की कि आपका ये जो पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर जो है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो है उसके पास भी आपका होगा क्या, सेल वाला होगा, ग्राम नेगेटिव जो है उसके पास भी सेल वॉल है। अगर सेल वॉल दोनों के पास है तो क्या डिफरेंस है सेल वॉल में, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल द पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर इज थिक और मल्टी लेयर, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इट इज सिंगल लेयर और थिन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और क्या डिफरेंस है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल और इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल वन एसिड कॉल्ड टेकोइक एसिड, टेकोइक TECHOIC टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर एब्सेंट, मतलब ग्राम नेगेटिव में वो वाला जो टेकोइक एसिड जो है बोल एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या उसका फंक्शन हो सकता है, वो क्या कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट एंड दिस टेकोइक एसिड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई टेम्परेचर और इन एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, मतलब टेकोइक एसिड का फंक्शन यही होता है कि वो क्या करता है जिसके पास और जिस बैक्टीरियल सेल में आपका होता है टेकोइक एसिड उसको वो क्या कर पाएगा, दिस आर टेम्परेचर सेंसिटिव सॉरी रेजिस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को वो रेजिस्ट कर पाएगा, कौन सा आपका जो जिस बैक्टीरिया के पास है। और यहाँ कहाँ पर है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वाल में आपका टेकोइक एसिड है एंड दिस आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर और दिस आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, सेंसिटिव मतलब अगर मतलब क्या नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो बैटर सेल जो है ये मतलब उसका डेथ हो जाएगा, इसका किसका आपका ग्राम नेगेटिव का। बट इनके साथ ग्राम पॉजिटिव दे कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड, ठीक है। देन फोर्थ वन इज अनदर टेकोइक एसिड दैट इज इट इज कॉल्ड लिपोटेकोइक एसिड, ठीक है, लिपोटेकोइक एसिड। तो उसका जो नाम है ये थोड़ा देखो
लिपो डिपोजिशन मतलब क्या है, ये बना है आपका लिपिड, लिपो मींस लिपिड से आ गया, लिपो टेकोजिशन मींस टेकोइक एसिड, जब टेकोइक एसिड लिपिड से मतलब कंबाइन होता है उसका नाम तो बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं आपका लिपो टेकोइक एसिड, ठीक है। दिस लिपो टेकोइक एसिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर, ओके, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट, वेयर इन ग्राम नेगेटिव इट इज एब्सेंट। देन लिपोटेकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव इज एब्सेंट, ठीक है। मतलब ये टेकोइक एसिड जो है, जब टेकोइक एसिड के साथ आपका लिपिड बाइंड होगा और कंबाइन होगा उसका नाम तब क्या बोलते हैं, लिपोटेकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर एंड एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्वर, ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर वन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन, ठीक है, पोरिन प्रोटीन, एक पोरिन में प्रोटीन होता है, क्या होता है इसमें, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर पोरिन प्रोटीन इज एब्सेंट, याद रखना पोरिन प्रोटीन इज एब्सेंट किसमें, आपका ग्राम पॉजिटिव में, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव दीज पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, पोरिन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर प्रेजेंट, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है और आपका ग्राम पॉजिटिव में ये वाला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज LPS लेयर, LPS, LPS मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, LPS लिपोपॉलीसैकेराइड इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर एंड दीज आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्वर, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर जो है उसका उसके पास क्या नहीं होता है, आपका लिपो पॉलीसैकेराइड नहीं होता है और लिपो LPS लेयर जो होता है वो वाला नहीं होता है, लेकिन आपका ये जो होता है कौन सा, आपके ग्राम नेगेटिव जो होता है उसके पास आपका क्या होता है, मतलब क्या LPS लेयर होता है, ठीक है। और एक देखते हैं, और एक आ रहा है इनकेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर लिपिड कंटेंट इज लेस, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर में आपका लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बड़ा कम होता है, क्यों देखेंगे और पॉइंट आएगा उसके बाद ये पता चल जाएगा क्योंकि क्यों कम है, ठीक है। लिपिड कंटेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्वर इट इज लेस, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्वर इट इज मोर, ठीक है। Then, next difference is your glycocalyx. ये तो आप अच्छा से देखना, glycocalyx और slime layer और capsule, ठीक है, glycocalyx, slime layer और capsule, these are absent in gram positive. अगर gram positive बैक्टीरियल सेल्वर जो होता है उसमें आपका glycocalyx, slime layer और capsule जो होता है वो वाला नहीं होता है, इसमें आपका ग्राम पॉजिटिव है, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्वर दीज आर प्रेजेंट, व्हिच आर दैट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। मतलब ये वाला थोड़ा अच्छे से याद रखना, ग्राम पॉजिटिव में आपका ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल नहीं होता है, मतलब एब्सेंट है, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी देखो ये सेवेंथ पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट क्या था, आपका लिक्विड कंटेंट इज लेस इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज मोर इन ग्राम नेगेटिव, मतलब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, स्लाइम लेयर है और जो कैप्सूल है उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, आपका लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन भी होता है। अगर ये वाला कंटेंट और ये वाला लेयर ग्राम पॉजिटिव में नहीं है तो वहाँ पर आपका लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन था और उसका जो अमाउंट है
वो वाला कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ग्लाइकोजेनेस है और स्लाइन लेयर है और कैप्सूल है। अगर यहाँ पर है तो वहाँ पर क्या होगा, लिपिड कंटेंट आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए बोला हूँ लिपिड कंटेंट इज लेस इन ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज मोर इन ग्राम नेगेटिव, बिकॉज ग्लाइकोजेनिक स्लाइन लेयर और कैप्सूल आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और एक डिफरेंस देखेंगे, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव दीज आर लेस इन्फेक्शियस, लेस इन्फेक्शियस, ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर इन्फेक्शियस, मीन्स ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये वाला क्या है आपका लेस इन्फेक्शियस होता है, मतलब बहुत कम इन्फेक्शन को करता है, बहुत कम इन्फेक्शन करता है। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दीज आर मोर इन्फेक्शियस, व्हाई द ग्राम नेगेटिव आर मोर इन्फेक्शियस बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है, क्योंकि उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, स्लाइम लेयर उसके पास है और उसको क्या कहते हैं कैप्सूल भी कहते हैं। अगर उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर और कैप्सूल है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इट इज मोर इन्फेक्शियस, दैट इज योर ग्राम नेगेटिव इज मोर इन्फेक्शियस देन the gram positive bacteria are antibiotic sensitive and these are antibiotic resistant, ठीक है, जो gram negative positive bacteria जो है वो क्या है उसका उसको मतलब क्या antibiotic sensitive है वो वाला cell, मतलब gram positive cell जो भी होगा वो वाला antibiotic sensitive होगा और ग्राम नेगेटिव जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा। तो उसका मतलब क्या है फर्स्ट, मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिव फर्स्ट रेजिस्टेंट बोल देता हूँ उसके बाद सेंसिटिव पर जाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब यही है कि अगर किसी सेल को और बैक्टीरियल सेल को आप एक एंटीबायोटिक दे दिए, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करता है एक्चुअली सेल के अंदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक है और डिफरेंट उनका फंक्शन भी है, सबका सेम फंक्शन नहीं है। मतलब एक एंटीबायोटिक क्या कर सकता है और क्या करेगा, वो क्या करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो चला है उसको बंद कर देगा एक एंटीबायोटिक सपोज, और एक एंटीबायोटिक क्या करेगा आपका सेल वॉल जो है सेल वॉल को मतलब क्या ब्रेक कर देगा, लाइसिस उसको बोलते हैं, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक जो एंटीबायोटिक है वो वाला क्या करता है आपका आरएनए सिंथेसिस नहीं कर देता है, मतलब करने नहीं देगा वो, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस नहीं कर देगा, अगर नहीं कर देगा तो वो वाला क्या है एक्चुअली, मतलब जिसके पास याद करना थोड़ा, जिसके पास आपका ये होगा प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड क्या है ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग बॉडी और क्रोमोसोम व्हिच आर फाउंड इन सम बैक्टीरिया एंड दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी वो है और उसके बाद वो क्या है आपका ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग भी है, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग भी है और क्या है वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पार्ट भी है। उसमें क्या होता है जब ये रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट मतलब क्या है मतलब वो रेजिस्ट कर पाएगा, मतलब सह पाएगा वो, जब उसको एक एंटीबायोटिक दिए तो मतलब क्या तीन एंटीबायोटिक का मतलब क्या एग्जांपल दिया था, एक क्या करता था आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसको बंद कर देता है फास्ट, सेकेंड क्या था राइबोसोम सिंथेसिस नहीं कर पाता है मतलब नहीं कर पाएगा, और एक क्या करता है आपका सेल वॉल लाइसिस होगा, लाइसिस मतलब ब्रेक। अगर ये जो बैक्टीरिया है अगर ये रेजिस्टेंट है उसी एंटीबायोटिक को तो वहाँ पर क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा, राइबोसोम और आयरन सिंथेसिस वो भी ठीक ठाक चलेगा, सेल लाइसिस और सेल वॉल लाइसिस जो होता है वो भी नहीं होगा, मतलब ये वाला रेजिस्ट है और रेजिस्ट कर पाता है और सह पाता है। तो इसीलिए कहते हैं द एंटीबायोटिक्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर एंटीबायोटिक सेंसिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंट। अगर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक दिए तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो मतलब क्या उसका डेथ हो जाएगा, और ग्राम नेगेटिव का दिए तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, ये वाला है क्या आपका ग्राम पॉजिटिव और एक क्या है आपका ग्राम नेगेटिव। उसके बाद देखेंगे इनके साथ ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ये प्रोमिनेंट मेसोजोम और मेसोजोम इज प्रेजेंट। प्रोमिनेंट मेसोजोम इज प्रेजेंट वेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ए लेस प्रोमिनेंट मेसोजोम इज प्रेजेंट। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ए प्रोमिनेंट मेसोजोम इज प्रेजेंट। इसका मतलब देखेंगे बाद में, प्रोमिनेंट मेसोजोम इज प्रेजेंट वेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ए लेस प्रोमिनेंट मेसोजोम इज प्रेजेंट। मतलब व्हाट डज इट मीन, इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोमिनेंट मेसोजोम, प्रोमिनेंट मेसोजोम मींस इट कंटेन्स ऑल द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर ए बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया के लिए जितने सारे आपको एंजाइम चाहिए रेस्पिरेशन के, चाहिए रेस्पिरेशन के लिए सभी एंजाइम यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकेंड क्या है प्रोमिनेंट का मतलब, यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड मेसोजोम होगा। मतलब वेल डेवलप्ड मीन्स जो जो मेसोजोम को चाहिए वो वाला यहाँ पर होगा, किसमें आपका ग्राम पॉजिटिव में। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ए लेस प्रोमिनेंट मेसोजोम इज फॉर्म, दैट इज रिवर्स ऑफ द प्रोमिनेंट। ठीक है, ये सब था आपका क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है उसका डिफरेंस। ठीक है, और कुछ नहीं जैसे। थैंक यू।